नमस्कार दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के आगामी होने वाली परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो कि फायर फाइटिंग अग्निशमन के ऊपर है। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा में फायर फाइटिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोस्ट होता है इसमें फायर फाइटिंग का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो बिलिंगुअल दिया हुआ है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। पहला क्वेश्चन है, द्रवीभूत ठोस पदार्थों को ज्वलनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए क्लास ए फायर, बी क्लास बी फायर, सी क्लास सी फायर, डी क्लास डी फायर। तो इसका सही आंसर है बी क्लास बी फायर। क्वेश्चन है, द्रवीभूत ठोस पदार्थों को ज्वलनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्लास बी फायर। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज क्लास बी फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ए वाटर, बी केमिकल, सी सीटीसी एक्सटिंग्विशर, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो वाटर का भी किया जाता है, केमिकल का किया जाता है और सीटीसी एक्सटिंग्विशर का किया जाता है। इसलिए आंसर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, फायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग। आग को हटाकर कम किया जा सकता है। आग किस चीज को हटाने से कम किया जा सकता है। ए ऑक्सीजन, बी हीट, सी फ्यूल, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। आग को ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल तीनों को हटाने से इसको कम किया जा सकता है, यानी आग पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इज यूज्ड फॉर द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इन ए फैक्ट्री। एक कारखाने में बिजली के कारण लगी आग के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। ए वाटर, बी सीटीसी, सी सॉइल, डी फैट। इसका सही आंसर है सीटीसी। एक कारखाने में बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सीटीसी का उपयोग करते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट है, व्हाट आर थ्री फैक्टर्स विच कॉज फायर। आग लगने के तीन कारक क्या हैं। ए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। बी है ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन। सी है हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। डी है फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट। इसका सही आंसर है पांच का ए, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन।
आग लगने के जो तीन महत्वपूर्ण कारक है वो है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ऑन फायर एक्सटिंग्विशर्स विच सिंबल रिप्रेजेंट्स कंबस्टेबल मेटल्स और क्लास डी फ्यूल्स। आग बुझाने वालों पर कौन सा प्रतीक दहनशील धातुओं या कक्षा डी ईंधन का प्रतिनिधित्व करता है? ए त्रिभुज, ट्रायंगल, बी वृत्त सर्किल, सी वर्ग स्क्वायर। इस क्वेश्चन का शायद आंसर गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि इसमें एक ऑप्शन छूटा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स अलाउज यू टू आइडेंटिफाई अ फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर? निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपको फोम फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान करने की अनुमति देता है? ए ब्लू, बी रेड, सी येलो, डी क्रीम। तो सही आंसर इसका 7 का डी क्रीम। निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपको फोम फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान करने की अनुमति देता है? तो क्रीम कलर। आंसर डी। नेक्स्ट है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होता है? ए यह बेहद गर्म हो जाता है, बी यह गर्म हो जाता है, सी यह थोड़ा ठंडा हो जाता है, डी यह बेहद ठंडा हो जाता है। इसका सही आंसर है 8 का डी। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होता है? यह बेहद ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। द फायर असेंबली पॉइंट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? फायर असेंबली पॉइंट को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है। ए जहां आग बुझाने के उपकरण जमा है, बी ऐसा क्षेत्र जिसमें आग लगने का खतरा अधिक होता है, सी एक ऐसा क्षेत्र जहां आपको आग लगने की स्थिति में इकट्ठा करना आवश्यक है, डी आग लगने की स्थिति में आपको बचने के लिए आवश्यक क्षेत्र। इसका सही आंसर है 9 का सी। फायर असेंबली पॉइंट को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है एक क्षेत्र जहां आपको आग लगने की स्थिति में इकट्ठा करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, जब आप कार्यस्थल पर आग देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ए फायर अलार्म बजाओ, बी मैनेजर को बताओ, सी कोशिश करो और आग बाहर रखो, डी अपने उपकरणों को पकड़ो और जल्दी से क्षेत्र से बाहर निकले। आंसर है 10 का ए।
जब आप कार्यस्थल पर आग देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या काम होना चाहिए? फायर अलार्म बजानी चाहिए। नेक्स्ट है, वाई इज द इम्पोर्टेंट दैट यू टेंड द नोजल वेन यू हैव फिनिश्ड यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना समाप्त कर लेते हैं, तो यह महत्वपूर्ण क्यों है कि आप नोजल को रोकते हैं? ए बिकॉज द नो हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि नोजल बेहद गर्म हो जाता है जिससे इसका उपयोग करना असंभव हो जाता है। बी यह कोई आवश्यकता नहीं है। सी क्योंकि नोजल गर्म हो जाता है जिससे इसका उपयोग करना असंभव हो जाता है। डी क्योंकि नोजल बहुत ठंडा हो जाता है जिससे इसका उपयोग करना असंभव हो जाता है। आंसर है इसका डी, क्योंकि नोजल बहुत ठंडा हो जाता है जिसे इसका उपयोग करना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है, आप किस बिंदु पर फायर अलार्म लगाते हैं? ए आप इसे बुझाने का प्रयास करने के बाद, बी जैसे ही आप इसे देखेंगे, सी अपने पर्यवेक्षक से बात करने के बाद, डी आप साइड से सभी पर ले लेने के बाद। सही आंसर है इसका बी, जैसे ही आप इसे देखेंगे। आई सुनेज यू सीड एट वट पॉइंट डू यू साउंड द फायर अलार्म? एज सुन एज यू सी इट, नेक्स्ट है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैव अ डैश लोकेटेड अबव देम। पानी की आग बुझाने वालों के पास उनके ऊपर एक डैश स्थित होता है। क्या होता है? रेड कलर बैंड, ब्लू कलर बैंड, ब्लैक कलर बैंड और ग्रीन कलर बैंड बैंड। सेंसर है रेड कलर बैंड। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैव अ रेड कलर्ड बैंड लोकेटेड अबव अलार्म। नेक्स्ट है, हु हैज द अथॉरिटी टू पुल द फायर अलार्म आफ्टर डिस्कवरिंग अ फायर ऑन द वर्कसाइट? ए ओनली द मैनेजर कैन एक्टिव द फायर। बी एनी वन हु हैज सीन अ फायर कैन एक्टिवेट द फायर अलार्म। सी ओनली द हेल्थ एंड सेफ्टी रेप कैन एक्टिवेट द फायर अलार्म। डी ओनली द ओनर कैन एक्टिवेट द फायर अलार्म। आंसर इसका बी, एनी वन हु हैज सीन अ फायर कैन एक्टिवेट द फायर अलार्म। क्वेश्चन है, हु हैज द अथॉरिटी टू पुल द फायर अलार्म आफ्टर डिस्कवरिंग अ फायर ऑन द वर्कसाइट? तो एनी वन हु हैज सीन अ फायर कैन एक्टिवेट द फायर अलार्म। नेक्स्ट है, वाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड यू यूज इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश अ फायर कॉज्ड बाय सॉलिड मटेरियल्स सच एज वुड पेपर और टेक्सटाइल? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी फोम, डी वेट केमिकल। आंसर है बी वाटर। What type of fire extinguisher should you use in order to extinguish a fire caused by solid materials such as wood
पेपर और टेक्सटाइल, क्या होगा वाटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो उसका लिंक आपको चला जाए। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।